Good morning, children. Welcome to GS Academy online classes. Today I am going to teach you EBS class 3rd, chapter 1st, the family. Are you know that? What is family? क्या आप जानते हैं परिवार क्या होता है? Family. People around us in our home are our family. हमारे आसपास के लोग हमारा परिवार है. We have mother, father, sisters, brothers, grandfather, grandmother, uncle, aunts, etc. in our family. मेरे परिवार में मम्मी पापा बहनें भाई बाबा दादी चाचा चाची आदि हैं. आपके परिवार में भी होंगे, दादी होंगी, बाबा होंगे, मम्मी पापा, भैया होगा, बहन होगी, चाचा चाची होंगे. ये सारे सदस्य मिलकर क्या बनाते हैं? फैमिली. ओके चिल्ड्रन, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ फैमिलीज. डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पीपल अ फैमिली इज कैटेगराइज्ड एज वेलो. लोगों की संख्या के आधार पर एक परिवार को नीचे के रूप में वर्गीकृत किया गया है. पिछली कक्षाओं में भी आप लोगों ने फैमिली के बारे में पढ़ा है. आपने पिछली क्लास में आपने पढ़ी थी ज्वाइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली. तो बच्चे, न्यूक्लियर फैमिली में मम्मी पापा और उनके एक या दो बच्चे, वो क्या होती है? न्यूक्लियर फैमिली. इसे स्मॉल फैमिली भी कह सकते हैं. और एक इसी में आती है लार्ज फैमिली, एक ही पेरेंट्स और उनके बहुत सारे बच्चे, इसे कहते हैं लार्ज फैमिली. ज्वाइंट फैमिली में दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा और हमारे सिबलिंग्स और कजन्स एक साथ रहते हैं. वाई डू वी नीड अ फैमिली. हमें एक फैमिली की आवश्यकता होती है. क्यों होती है? फैमिली इज़ द सपोर्टिंग पिलर फॉर एवरीबडी. परिवार सभी के लिए एक स्तंभ है, पिलर है. अंडरस्टैंड? व्हेन वी आर एन इन्फेंट, एल्डर्स टेक अ लॉट ऑफ केयर ऑफ अस एंड ऑल्सो गिव अस प्रोटेक्शन. जब हम एक शिशु होते हैं तो बुजुर्ग हमारा ख्याल रखते हैं और हमें सुरक्षा देते हैं. When we grow up, they nurture us by giving love, nourishment, proper education, good clothes. जब हम बड़े होते जाते हैं तो वे हमें प्यार, पोषण और उचित शिक्षा, अच्छे कपड़े आदि देते हैं. Our family supports us and shares all our joys and sorrows. हमारा परिवार हमारा समर्थन करता है और हमारे सुख दुख को साझा करता है. इट इज़ आवर ड्यूटी टू कोऑपरेट विथ ऑल आवर फैमिली मेम्बर्स. हमारे सभी परिवार के सदस्यों के साथ सहयोग करना हमारा कर्तव्य है. आप लोग करते हैं कि नहीं करते हैं अपने फैमिली मेम्बर के साथ हेल्प? कभी मम्मी के साथ हेल्प कर लिया करो, कभी पापा के साथ हेल्प कर लिया करो, कभी दादी माँ के साथ, कभी बाबा के साथ. इट इज़ गुड हैबिट. Understand? Now we are going to learn about our relatives. समझते होंगे आप लोग relatives को, क्या होते हैं relatives? The people who relate to us as family members are called relatives. वे लोग जो परिवार के सदस्यों के रूप में हमसे संबंधित रहते हैं, वे हमारे रिश्तेदार कहलाते हैं. Understand? Everybody relates to each member of his or her family in some way. हर कोई परिवार में किसी ना किसी तरह से संबंधित रहता है. Okay? Let us see how Priya is related to the members of her family. अब हम देखते हैं कि प्रिया अपने फैमिली मेम्बर के साथ कैसे संबंधित है. I am Priya. The following people are my family members. मैं प्रिया हूँ और नीचे जो people दिए गए हैं वो मेरे सारे family members हैं, ये सब. ठीक है. Mr. Narayan Jain is my father's father. Mr. Narayan Jain किसका नेम है? Father's father कौन होता है, आप समझते हैं? Father's हमारे पापा के पापा हमारे कौन होते हैं? He is my grandfather. He is my
ग्रैंडफादर। मिस्टर सुमित्रा जैन इज माय फादर्स मदर। अब फादर की मदर कौन होती हैं हम लोगों की, हमारे पापा की मम्मा हम लोगों की कौन होती हैं, सी इज माय ग्रैंड मदर। ओके, दे आर माय लविंग ग्रैंड पेरेंट्स एंड आई एम देयर ग्रैंड चाइल्ड। वो हम लोगों के प्यारे दादी बाबा हैं और हम उनके प्यारे ग्रैंड चाइल्ड हैं। अंडरस्टैंड। मिस्टर रजत जैन इज माय ग्रैंड फादर्स सन, ही इज माय फादर। ग्रैंड फादर के सन को हम क्या कहते हैं, ग्रैंड फादर का सन हम लोगों का कौन हुआ, पापा। कौन हुए, पापा। मिस्टर आरती जैन इज माय फादर्स वाइफ, मेरे पापा की वाइफ मेरी कौन हुई, सी इज माय मदर, सी इज माय मदर। प्रतीक एंड मानसी आर माय ब्रदर एंड सिस्टर। प्रतीक और मानसी हम लोग हमारे क्या हैं, ब्रदर एंड सिस्टर, भाई और बहन। आप लोगों की भाई बहन होंगे, कुछ लोगों को एक भाई होता है, कुछ लोगों के दो भाई होते हैं, ठीक है। मिस्टर पवन जैन इज माय फादर्स ब्रदर। मिस्टर पवन जैन इज माय फादर्स ब्रदर। फादर के भाई को हम लोग क्या कहते हैं, ही इज माय अंकल। कौन होते हैं फादर के भाई हम लोगों के, अंकल। हिज वाइफ मिसिज करुणा जैन इज माय आंट। और अंकल की वाइफ हम लोगों की कौन होती हैं, आंटी। आंटी मीन्स चाची। नेहा एंड रमन आर माय आंट एंड अंकल चिल्ड्रन। नेहा और रमन हम लोग हमारे अंकल के चिल्ड्रन हैं, दे आर माय कजन। अंकल के बच्चों को क्या कहते हैं, कजन्स। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टीच यू शेयरिंग एंड केयरिंग। शेयरिंग एंड केयरिंग आर गुड हैबिट्स। शेयरिंग थिंग्स एंड वर्किंग विथ द फैमिली मेम्बर्स मेक द मेम्बर्स ऑफ फैमिली हैप्पी। चीज़ों को साझा करना और मिलकर काम करना एक खुशहाल परिवार बनाता है। See how the members of Priya's family help one another. देखें प्रिया की फैमिली एक दूसरे की मदद कैसे करती है। Both her parents help each other in their work. उनके मम्मी पापा, प्रिया के मम्मी पापा दोनों लोग मिलकर अपना वर्क करते हैं। They help प्रिया in her studies. वे प्रिया की पढ़ने में मदद करते हैं। They take good care of her and her grandparents. वे उसकी देखभाल करते हैं, किसकी, प्रिया की देखभाल करते हैं और प्रिया के दादा और दादी की भी गुड केयर करते हैं, देखभाल करते हैं। ओके, प्रियाज फादर ऑल्सो हेल्प हर मदर इन हाउस वर्क लाइक कुकिंग एंड कीपिंग द हाउस टिडी। प्रिया के पापा मम्मी के साथ घर के कामों में मम्मी की जैसे कुकिंग, खाना बनाने में और घर को व्यवस्थित रखने में उनकी मदद करते हैं। ही टेक्स केयर ऑफ प्रिया ड्यूरिंग इलनेस। वह प्रिया की बीमारी में मदद करते हैं, देखभाल करते हैं। ओके चिल्ड्रन, प्रियाज ग्रैंडफादर इज द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। प्रिया के ग्रैंडफादर मीन्स बाबा फैमिली के, परिवार के सबसे बड़े सदस्य हैं। ही इज़ द हेड ऑफ द फैमिली। जो लोग बड़े होते हैं वो परिवार के मुखिया होते हैं कि नहीं होते हैं, आपके यहाँ भी शायद बाबा मुखिया हों आपके घर के, अगर बाबा हैं आपके घर में तो है। प्रिया के बाबा प्रिया को महान लोगों के बारे में कहानियाँ सुनाते हैं, अच्छी पुरानी घटनाओं के बारे में बताते हैं। इससे प्रिया के अंदर नैतिक मूल्यों का विकास होता है। आपके बाबा भी आपको स्टोरी सुनाते होंगे, सुनाते हैं कि नहीं सुनाते होंगे। प्रिया घर के कामों में माँ की मदद करती है और अपने पापा का भी ख्याल रखती है, अपने बाबा और दादी को दवाइयाँ देती है टाइम से। इट इज गुड मैनर्स। नाउ वी आर गोइंग टू टीच यू फन विथ द फैमिली। वी शुड स्पेंड टाइम विथ आवर फैमिली मेम्बर्स। वी शुड प्ले गेम्स विथ देम, गो फॉर मूवी, पिकनिक, पार्टी, सर्कस, जू, फेयर। हमें अपने परिवार के सदस्यों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए।
हमें उनके साथ गेम खेलना चाहिए, उनके साथ मूवी देखने जाना चाहिए, पिकनिक पर जाना चाहिए, पार्टीज करनी चाहिए, चिड़ियाघर वगैरह जाना चाहिए, और सप्ताहांत हमें अपने कजिन्स के यहाँ भी विजिट करना चाहिए और उनके साथ फन करना चाहिए, बहुत सारा फन करना चाहिए, और उनके साथ हम लोगों को सारे त्यौहार, सारे फेस्टिवल्स अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट करने चाहिए। वैकेशन छुट्टी के समय हमें अपनी फैमिली मेम्बर के साथ बाहर जाने के लिए, हिल स्टेशन पर जाने के लिए कुछ प्लान बनाना चाहिए। अंडरस्टैंड चिल्ड्रन, इससे हम लोगों के संबंध मधुर रहते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टीच यू रिसेम्बलेंस। रिसेम्बलेंस मीन्स होती है सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी मीन्स समानताएं। समटाइम्स वी शेयर सर्टेन फिजिकल फीचर्स, क्वालिटीज एंड एबिलिटीज विथ अवर फैमिली मेम्बर्स। दीज आर कॉल्ड हेरिडिटरी फीचर्स। दे कैन बी पास्ड ऑन टू अस फ्रॉम अवर पैटर्नल साइड एज वेल एज फ्रॉम मैटर्नल साइड। कुछ शारीरिक फीचर, क्वालिटीज, गुड एबिलिटी, योग्यताएँ हमें अपनी फैमिली के मेंबर्स से मिलती हैं, जिसे क्या कहते हैं, हेरिडिटी फीचर्स, आनुवंशिक लक्षण। जिसे हम क्या कहते हैं, आनुवंशिक लक्षण। जैसे कभी आपने सुना होगा कि कोई आपसे, आपके रिलेटिव्स, जानने वाले कहते हैं कि इसका चेहरा, इसका फेस बिल्कुल अपने पापा पे गया है। ये क्या है, ये आनुवंशिक लक्षण है जो हमें अपने पापा से, जो हमें अपने पापा के परिवार से और कुछ मम्मी के परिवार से मिलता है। कुछ हमारे अंदर ये सारी चीज़ें, हेरिडिटी की सारी कुछ चीज़ें हमें माता पिता से मिलती हैं, कुछ नानी नाना से मिलती हैं, कुछ दादी बाबा से भी मिलती हैं। ओके चिल्ड्रन, टू चिल्ड्रन बॉर्न एट द सेम टाइम टू अ मदर आर कॉल्ड ट्विंस। समटाइम्स ट्विंस आर आइडेंटिकल, एट टाइम्स दे लुक एब्सोल्यूटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड आर कॉल्ड फैटरनल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस आर ऑलवेज टू बॉयज और टू गर्ल्स। दो बच्चे जब एक साथ अपनी माँ के द्वारा जन्म लेते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, ट्विंस। क्या कहलाते हैं, ट्विंस। ट्विंस मीन्स जुड़वा कहलाते हैं। कुछ जुड़वा आइडेंटिकल होते हैं, मीन्स वो दोनों एक जैसे दिखते हैं। एट टाइम्स दे लुक एब्सोल्यूटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर आर कॉल्ड फैटरनल ट्विंस। कभी कभी ऐसा होता है कि ट्विंस तो होते हैं बट एक जैसे नहीं दिखते हैं, वो फैटरनल ट्विंस कहलाते हैं। मतलब पैटर्नल ट्विंस मीन्स गुणभेद जुड़वा, जिनके कुछ गुण और उनका जो जो समानता कुछ उनमें कम होती है। आइडेंटिकल ट्विंस आर ऑलवेज टू बॉयज और टू गर्ल्स। आइडेंटिकल ट्विंस हमेशा दो गर्ल्स होंगे या फिर दो बॉयज होंगे, दो लड़के या दो लड़कियां ही होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फैमिली ट्री। फैमिली ट्री में जनरेशन आती है फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन आता है, ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स से मतलब दादी और बाबा, दादा दादी जिसे कहते हैं। और उसके बाद आती है सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन दादी बाबा के, जो सेकंड जनरेशन में दादी बाबा के बेटे और बेटियां आती हैं सेकंड जनरेशन। जैसे पेरेंट्स, पेरेंट्स में हम लोगों के मम्मी पापा, अंकल्स एंड आंट, चाचा चाची और बुआ लोग भी आते हैं सेकंड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन में आता है सिबलिंग्स, हम लोगों के भाई बहन, पापा के बच्चे सिबलिंग्स होंगे, हमारे सगे भाई बहन होते हैं वो, उन्हें सिबलिंग्स कहते हैं। और जो अंकल और बुआ के जो बच्चे होंगे वो होंगे कजन्स। क्या होंगे, कजन्स, चचेरे भाई बहन। अंडरस्टैंड चिल्ड्रन, आप लोगों को पता होगा इसके बारे में भी। आई होप दैट वॉट एवर वी टोल्ड यू इन दिस चैप्टर यू विल अंडरस्टैंड वेल। आपके लिए होमवर्क होगा फैमिली ट्री। ओके चिल्ड्रेन, जिस टाइप से ये फैमिली ट्री मैंने बनाया है, इसी टाइप का फैमिली ट्री आपको घर पे बनाना है, और जब छुट्टी के बाद आप स्कूल आएंगे तो मुझसे चेक करवाना है। ओके चिल्ड्रेन, थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।